अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में एक उम्र रसीदा जोड़े ने पड़ोसियों के मुर्गे से तंग आकर अदालत से रजू कर लिया? और क्या आप जानते हैं कि दुल्हन ने शादी में पसंद का मेन्यू ना रखने पर शादी मंसूख कर दी? और एक नई तहकीक में बताया गया है कि कुत्ता अपने नाक को सूंघने के साथ साथ देखने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। मेरा नाम है मोहम्मद मौज और आप देख रहे हैं फैक्ट्स न्यूज़। दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम में दरख्त की मौजूदगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यूरोप में एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम भी मौजूद है जिसके दरमियान में से रेलवे लाइन गुजरती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया के एक फुटबॉल क्लब के स्टेडियम में ना सिर्फ रेलवे लाइन बिछी हुई है जबकि वहाँ से ट्रेन गुजरती भी है। टीजे टेरान सरनी ब्लॉग नामी ये क्लब ये एजाज रखता है कि इसके स्टेडियम में मैच की एक झलक देखनी हो तो गुजरती हुई ट्रेन से भी आप ये देख सकते हैं। ट्रेन अलबत्ता प्लेइंग फील्ड से दूर होती है, लेकिन वो तमाशाइयों और प्लेइंग फील्ड के दरमियान से गुजरती है। 5100 अफराद पर मुश्तमिल स्लोवाकिया का ये छोटा सा कस्बा अपने इसी फुटबॉल स्टेडियम की वजह से गुज़श्ता 7-8 सालों से सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दोस्तों, आज से एक सदी पहले सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जानवर घोड़ा था। घुड़सवारी की बाकायदा एक तरबियत होती थी। लोग घोड़ा रखने पर फख्र महसूस करते थे, लेकिन फिर वक्त बदला, जमाना बदला, घोड़े की जगह गाड़ियों ने ले ली। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो घोड़े को बड़े प्यार से और बड़े शौक से पालते हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें सियाह रंग के घोड़े किसी खूबसूरत तरीन साहिल पर कतार दर कतार चल रहे हैं। वीडियो शेयर करने वाले आदमी का कहना था कि ये रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं और समंदर किनारे अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमें नौकरियां नहीं मिल रही और यहाँ घोड़े रिटायर हो चुके हैं। कमाल की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में कार्नेल यूनिवर्सिटी के महक्कीन और जानवरों के डॉक्टर ने कुत्तों के दिमाग का मुआयना किया और कुत्तों के दिमाग में एक मुख्तलिफ रास्ता दरियाफ्त किया जिसमें यह बताया गया कि किस तरह कुछ नाबीना कुत्ते गेंद को बसरी तौर पर ना देखकर भी खेलने के काबिल होते हैं। टीम ने बहुत से कुत्तों पर MRI जिसमें उन्होंने दिमाग के इस हिस्से के दरमियान एक रबत पाया जो सूंघने से मुतालिक था और दिमाग के इस हिस्से के दरमियान जो बसारत पर अमल करता था। ये तहकीक जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में शाया हुई। ये पहला सबूत है कि कुत्तों की इंतहाई हसास नाक और इनकी बेनाई आपस में जुड़ी होती है। तहकीक में बताया गया कि कुत्ते की नाक में इस कदर सलाहियत होती है कि वो ना सिर्फ इसको सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि अपनी नाक के जरिए देख भी सकते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दुल्हन ने अपना तजर्बा बयान किया। दुल्हन का कहना था कि शादी के दीगर तमाम मामलात और मंसूबा बंदी में मैं और मेरा मंगेतर एक दूसरे से मुत्तफिक थे। ये जानते हुए कि मैं और मेरे घर वाले वेजिटेरियन हैं, इसके बावजूद लड़के वाले शादी के मेन्यू में चंद सब्जियां रखने पर तैयार नहीं थे। दुल्हन का मजीद कहना था कि मेरा मंगेतर और इसके घर वाले बिल्कुल मुख्तलिफ थे। असल मसला उस वक्त पेश आया जब मैंने अपने मंगेतर से मेन्यू में 4-5 सब्जियां रखने का मुतालबा किया जिस पर उसने इनकार कर दिया और मेरे इल्म में लाए बगैर ही मेन्यू में से तमाम सब्जियों से तैयार करदा खाने निकाल दिए। मेरे सवाल करने पर उसने कहा कि इससे पैसे ज़ाया होंगे और दुल्हन का कहना था कि उसने मुझे तशद्दुद का भी निशाना बनाया। लोगों ने इस औरत के इस इकदाम को खूब सराहा और कहा कि आपने सही वक्त पर सही फैसला किया। जर्मनी में एक उम्र रसीदा जोड़े ने पड़ोसियों के मुर्गे से तंग आकर अदालत में जाकर पड़ोसियों पर केस कर दिया। 76 साल फ्रेडरिच और इनकी अहलिया ने कहा, बहुत अरसे से हमारी ज़िंदगी में कोई दिन सुकून से नहीं गुजरा क्योंकि पड़ोसियों का मुर्गा बहुत शोर मचाता है। इनका कहना था कि हमने कई मरतबा उनको शिकायत भी की कि आपके मुर्गे की वजह से हमें सुकून नहीं मिलता, लेकिन कुछ ना हासिल होने की वजह से उन्होंने अदालत से रजू किया। बूढ़े मियाँ बीवी ने कहा कि हम अपना बागीचा इस्तेमाल नहीं कर सकते और घर की खिड़कियाँ इस मुर्गे की वजह से नहीं खोल पाते। यही नहीं बल्कि उन्होंने मुर्गे की आवाज़ भी रिकॉर्ड की हुई थी ताकि अदालत को सबूत के तौर पर पेश की जा सके।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं मिलूँगा इसी तरह की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।